विदर्भ की प्रसिद्ध मारबत का कोरोना के चलते विधिवत पूजा कर सादगी के साथ इस साल मारबत को जलाया गया। प्रशासन के दिए दिशा निर्देश का पालन कर मारबत को जलाया गया है। इस समय पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त भी किया गया था। कोरोना महामारी के चलते शहर में सभी सार्वजनिक आयोजनों पर पाबंदी है, इसलिए आज मारबत बड़गया को लेकर किसी तरह का जुलूस नहीं निकाला गया। ऐसी जानकारी नागोबा देवस्थान के अध्यक्ष द्वारा दी गई है। इसके पहले तो हमने देखा नहीं, और कोरोना की बाधा बढ़ते हुए हमने जितने भी भाविक लोग आए थे उनको कहा कि तुम साड़ी भी मत दो, गोटी भी मत दो, और तुम दूर से हाथ जोड़ो, और जो अभी लाए हो अगले साल में वही लेके आ जाना। हमने अपनी तरफ से भरसक कोशिश की कि कोरोना हमारी तरफ से नहीं बढ़ना चाहिए। ये जो लोग जो मानते हैं उनको फ़ायदा हुआ, लोग बहुत दूर से आए, यहाँ से गुजरात से लोग आए, बम्बई से लोग आए, वो लोग आए, और बहुत सिवई इलाके से भी लोग आते हैं। अभी ये कोरोना का माहौल होने से लोग कम है, नहीं तो ये जो मंदिर है इसके आगे तक के भाई लोगों की लाइन रहती रात के 12 बजे तक। अगर आप 12 बजे आओगे तो यहाँ भाई लोग ही मिलेंगे आपको सब, लेकिन किसी के बाल को धक्का नहीं लगता, इतनी शालीनता हमारे पास में है। और हमारी जो मारबत है ये देवी के रूप में हम मनाते हैं, और भाई लोग भी जाते हैं, जो आदमी लोग भी आते हैं वो देवी के तरफ समझ के पूजा करते हैं। काफी सालों से चली आ रही परंपरा आज कोरोना के चलते खंडित हो चुकी है। हर साल मारबत बनाई जाती है, इस साल भी मारबत बनाई गई, लेकिन कोरोना की वजह से इसे सादगी से जलाया गया, ऐसा मूर्तिकार इन्होंने कहा है। हर साल सरकारी व्यवस्था की खामी, प्रशासनिक खामी, ज्वलंत मुद्दों और वर्तमान समस्या, भ्रष्टाचार व घोटाले को जनता के सामने लाने का काम मारबत व बड़गया जुलूस के माध्यम से किया जाता है, और पीली व काली मारबत का मिलन इतवारी के शहीद चौक में होता है। इस बार न जुलूस है और न ही काली पीली मारबत का मिलन, शहर में सादगी से पीली मारबत को जलाया गया है। इस साल बहुत कम लोगों को इसकी परमिशन दी गई थी इस त्यौहार में हाजिर रहने के लिए, इसलिए उतना ज़्यादा बड़ा बंदोबस्त नहीं लगा, कम इस पर थोड़ा बंदोबस्त लगा है, और अच्छे तरीके से ये पूरा सन ये त्यौहार जो है वो अच्छे तरीके से निभाया गया है। हाँ, लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छी तरीके से रहा, सब लोगों ने, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, सब लोग यहाँ पे मास्क पहने हुए थे, और सब लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत अच्छी तरीके से किया है, ऐसी कोई अनुचित घटना भी नहीं घटी है यहाँ पे। माझा नाम प्रकाश रामचंद्र गौरकर, ये पिवरी मारबत जे देवस्थान है, नागोबा देवस्थान तलाने तिली समर्थाचे मी अध्यक्ष आहे। दरवर्षी असं आहे की विदर्भात आणि पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये, भारतात म्हणाल तर या मध्य नागपूरमध्ये एकमेव हा सण मारबत आणि बडग्या उत्सवाचा साजरा करण्यात येतो। पण या उत्सवाचं असं आहे की क्राऊनचा जो कोरोनाचा 19 जो प्रादुर्भाव आलेला आहे, आणि या प्रादुर्भावामुळे असं आहे की जमाव हा बंद होऊ नये, आपल्याला मारबत उत्सव म्हणूनच नाही आहे पण लोकांच्या हिताचं काम, लोकांना करोना हा पसरू नये, त्यामुळे आपण जसं मिरवणुकीचा कार्यक्रम रद्द केला, फार मोठा क्राऊड पिवळी आणि काळी मारबत जिथे मिलन होते तिथे फार मोठ्या प्रमाणात गर्दी होते, त्यामुळे आपण याचा करोनाचा मिरवणुकीचा निर्णयच आपण स्टॉप केला आणि आपण रद्द केला, आणि त्यानंतर इथे जे मारबत येते आणि इथून या मार्गाने जाऊन नाईक तलाव इथे त्याचं दहन करण्यात येते। आता नाईक तलाव इथे दहन केलं की तिथे पण फार मोठ्या प्रमाणात क्राऊड असा, खूप मोठ्या प्रमाणात क्राऊड जमलं होतं, आणि करोनाचा प्रादुर्भाव होऊ नये, लोकांनी आपल्या घरी राहावं, चांगलं राहावं, सुरक्षित राहावं, या दृष्टीने आम्ही सर्व जे आहे ते कार्य केलं की तिथे पण जाऊन आपल्याला लोक जमा होऊ नये आणि करोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये। कॅमेरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागडे के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, इन BCN न्यूज, नागपूर।